पहली बार आई है और मुलाकात हुई नहीं है तो बैठेंगे तो बहुत सी चीजें स्पष्ट होंगी। आप कुछ समझे बैठी हैं, हम कुछ समझे बैठे हैं, मार आएंगे तो फिर आगे आंदोलन में चलेगा। और जो आंदोलन में हमारे साथ है वही हकीकत में हमारे परिवार का हिस्सा है, हमारे भाई हैं, हमारी बहनें जो आई हैं। हमने ये निवेदन किया कि वाल्मीकि और जाटव तो इस लड़ाई में नीम का काम करेंगे। नीम कौन सी होगी? आपके पास कोर कमेटी होनी चाहिए, हमने सबको इकट्ठा करना है, मगर कॉन्टेक्ट किसको दे, जिम्मेवारी कौन ले? वो आए, जाति ही हकीकत है इस देश में, जाति से ही शुरू करना पड़ेगा। और जातियां आनी चाहती है, वेलकम है, वेलकम है, वेलकम है, हम तो कह रहे हैं। तो फिर बात करेंगे अगली। एक और हमारे बीच में हमारे साथी है, उनका हालांकि गला खराब था, वो कह रहे जी मुझे भी मेरा गला ठीक हो गया है, तो मैं दो तीन मिनट जरूर उनको दूंगा। डॉक्टर संदीप जी से रिक्वेस्ट है आए, उसके बाद हम भाषा सिंह जी जो हमारी मुख्य अतिथि है, चीफ गेस्ट है, जिनको हमने विशेष रूप से बुलाया है, जो एक्ट्रेस भारत की पुस्तिका की लेखक है, जो पत्रकार है, जो आंदोलन में है, जो सफाई कर्मचारियों के घरों में रही है, जो महिला धोती है, माताएं उनके घरों में एक महीना, दो महीना, छह महीना, साल, दो साल, आठ साल तक पूरे देश की जो माताएं बहने जो महिला धोती है उनके घरों में रह रहकर उनके साथ बैठकर खाकर और पीकर उनकी पीड़ा को देखा और समझा है, फिर उसको लिखा है, जो रूप लिया है एक किताब का, पुस्तक का, एड्रेस भारत, वो यहाँ पर है, उसकी लेखिका है, उनको हमने आमंत्रित किया है, उनको हम समय देंगे सुनेंगे। मगर उससे पहले मैं डॉक्टर संदीप जी को आमंत्रित कर रहा हूँ कि वो आए और आज के इसे पर अपनी बात रखें। माननीय डॉक्टर संदीप जी। पेशे से टीचर हूँ और थोड़ा गला खराब है, लेकिन टीचर के साथ एक विडंबना है कि उसके लिए सबसे बड़ी सजा ये होगी उसको बिल्कुल चुप होकर बैठाएं। तो ये इतना सुंदर मंच भी है, इतने अच्छे लोग भी हैं और मुझे अवसर भी मिला है, अब मेरा गला बिल्कुल ठीक है। मंच पर माननीय अध्यक्ष साहब, दीदी कल्याणी साहब और अध्यक्ष भारत के लेखिका भाषा सिंह जी, चंद्रकांता जी, मीनू राणा जी, उत्तम साहब, चंदेलिया साहब, राजेश दुर्गा जी और वीर सिंह घोष साहब, और समय बहुत ज़्यादा वो है, मैं कुछ एक बातें आपसे शेयर करके मुख्य मुख्य पॉइंट पर अपनी बात रखूंगा। आज जिस पर्सनलिटी के आधार पर हमने अपने इस प्रोग्राम को समर्पण किया है, स्वामी अच्युतानंद, उसके बारे में कुछ एक बातें मैं आपसे कहना चाहूंगा। ये जो इतना बड़ा मोमेंट जो भावसंघ का हमने खड़ा किया है, इसके लिए बहुत सारे महापुरुषों ने त्याग किया, उसमें स्वामी अच्युतानंद जी है, उसका अपना एक योगदान है। इनके बारे में इनका जो लेखन है वो खुद अपने आप में गवाही देगा। इनका एक सेंटेंस उसके आधार पर मैं एक बात कहूंगा, ये अपनी वाणी में एक बात कहते हैं, सुत्रो गुलाम रहते सदियां गुजर गई, जुल्मो सितम के सहते सदियां गुजर गई, अब तो जरा विचारो सदियां गुजर गई, अपनी दशा सुधारो सदियां गुजर गई, ये इनका अपना कहना है। देखिए इन्होंने एक आदि हिंदू नाम से आंदोलन का पहल की है और इनका मूल नाम हरिया जी था, लेकिन ये जो नाम इन्होंने रखा अच्युतानंद, ये खीज में आकर रखा, क्योंकि जाति इस देश की महान सच्चाई है, अस्पष्टता इस देश की महान सच्चाई है, एक खीज में जाकर इन्होंने स्वामी अच्युतानंद नाम से इन्होंने अपना एक आंदोलन पूरा पूरा खड़ा किया। इनका अपना मानना है कि आदि मंच का डंका बजाते चले, कौम की नींद से अपने आप को जगाते चले, ये इनका अपना मूल सूत्र है। इनका अपना योगदान है और भी बहुत सारे महापुरुष हैं, हम उनके आधार पर इस पूरे आंदोलन को लेकर चलते हैं और मेरा ऐसा मानना है कि इन सब आंदोलन के जितने भी जनक हमारे महापुरुष हुए, वो
उनके आधार पर एक पूरे आंदोलन को हम खड़ा कर सकते हैं। आज 6 मई को इनका अपना जन्मदिन है, लेकिन मैं एक बात और शेयर कर दूं, 5 मई को एक पूरे विश्व पुरुष का एक जन्मदिन है जिसको कार्ल मार्क्स के नाम से हम जानते हैं। कार्ल मार्क्स का विश्व को देन बहुत बड़ी है और उन्होंने पूरे मजदूरों के लिए, पूरे विश्व के जो लोग मजदूर लोग हैं उनके लिए एक बड़ी क्रांति की है। एक बड़े आलोचक का उनके बारे में कहना है, यदि आप मार्क्सवाद पे विश्वास करते हैं या नहीं करते हैं, लेकिन एक बात सच है, बिना मार्क्सवाद के आप कोई भी काम कर नहीं सकते, ये एक सच है। बिल्कुल, हमें कार्ल मार्क्स की डेट को भी हमें याद रखना होगा। जब उनके डेट की हम बात करते हैं, आज जब हम मार्क्सवाद की बात करते हैं वो बिल्कुल मदरसन है, तो हम इसकी बात भी हमें करनी होगी। एक हाथ में संघवाद और एक हाथ में मार्क्सवाद चल नहीं सकता, और एक हाथ में मनुस्मृति और एक हाथ में दास कैपिटल चल नहीं सकता। आपके नियत पर हम सब सवाल करके अपने नियत को आपको सुधारना होगा, उस पर आपको बात करनी होगी। और हम जितने भी मंच पर लोग बैठे हैं उनको हम ज्यादा से ज्यादा समय देंगे कि आज के विषय पर वो बात करके हमारा मार्गदर्शन करे। मैं आज का जो विषय है उस पर एक बात कहकर अपनी बात खत्म करूंगा। देखिए, कोई भी सामाजिक आंदोलन बिल्कुल चमत्कार की तरह खड़ा नहीं होता, उसके लिए बहुत सारी कार्यक्रम की हमें जरूरत होती है, स्ट्रेटेजी की हमें जरूरत होती है, और एक शॉर्टकट की आवश्यकता नहीं होती है, उसके लिए एक प्रॉपर गाइडलाइन की हमें जरूरत होगी और लगातार उस पर अपडेट भी हम करते रहेंगे। मेरा अपना मानना है किसी भी सामाजिक आंदोलन के लिए ये ज्यादा जरूरी है, एक पीढ़ी मैदान पे डटकर काम करे, वो चिल्लाए अधिकारों के लिए, और दूसरी पीढ़ी के लिए तैयार हो जाना है जेल में बंद होने के लिए, और तीसरी पीढ़ी के लिए हम मार्ग प्रशस्त करें सत्ता में बैठने के लिए। यदि ये सब हम कर सकते हैं तो हमारे लिए मार्ग प्रशस्त हो सकता है, क्योंकि शॉर्टकट कुछ भी नहीं होता। इसलिए हम सबको अधिकार के लिए खड़े हो जाना है, उस सबके लिए मांगने के लिए तैयार हो जाना है, तभी हम बहुजन के लिए सही मायनों में एक रास्ता तैयार कर सकते हैं। मैं ये सब बात कहकर अपनी बात को खत्म करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।